डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आज हम पेज नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर्स की एडिशन है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट दीज सम्स क्या है, वंस एंड टेंस। ठीक है, टू डिजिट नंबर हैं तो उसमें क्या है, पहले वंस एंड टेंस देखें लिखा हुआ है। वंस में कौन कौन से डिजिट हैं, 1 एंड 3, टेंस में है 8 एंड 1। अब हमने इनको प्लस करना है। ठीक है, प्लस करने के लिए अगर आप लाइन्स लगा लगते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, 1 है तो 1 लाइन लगा लें, 3 है तो 3 लाइन्स लगा लें। ठीक है, फिर इनको काउंट कर लेना है, प्लस कर लेना है। 3 में 1, 3 लाइन्स में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह टेंस है तो टेंस में क्या करना है, 8 लाइन्स लगा लेनी है, 1 उसके बाद 1। ठीक है, उनको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, 94। इसी तरह आपने जितने क्वेश्चन हैं आपने ये इसी तरह लाइन लगा के आपने कर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने ये कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने अपनी नेट कॉपीज ओपन करनी है। ठीक है, उसमें आपने अपनी डेट मेंशन करनी है, क्लास वाइज, और टेबल ऑफ 7 हमने लिखना है नेट कॉपीज पर। ठीक है, टेबल ऑफ 7 आपने इसी तरह लिखना है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70। ठीक है, ये आपके नीट कॉपी का वर्क है, आपने उस पर ये भी लिखना है। देन आपने अपनी कॉपीज ओपन करनी है एंड पेज रेडी करना है। ठीक है, इसी तरह आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, आपने क्वेश्चंस इस तरह यहाँ पे हैं। ठीक है, वंस एंड टेंस। ठीक है, आपने इसी तरह लिखना है 1 3, और काउंट आपने इस तरह करना है, लाइंस के अकॉर्डिंग आपने लाइंस लगानी है। ठीक है, फिर उनको काउंट कर लेना है। ठीक है, ये आपका नीट कॉपीज का वर्क है, आपने ये कंप्लीट करना है।